थोड़ा हेल्थ बहुत खराब है और गला भी सूख रहा है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। मेहनत करके वो SLP बन गई है, उसके पीछे कई सारे मीटिंग्स भी हुए, डेलीबरेशंस हुए और उसके बाद फिर SLP तैयार हुआ। उसको फिर सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी को मैं रेफर किया था, बाकायदा उसका कंसल्टेंसी फीस दे के, और उसमें कुछ और अमेंडमेंट भी हो सकती है या क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम ये कर सकते हैं, सबके सामने है। उसके बाद फिर और एक चीज़ जो जस्टिस हैं, रिटायर जस्टिस PS दत्ता, उससे उसको मैटर को सेटल कर दिया जाएगा, क्योंकि UP कॉरपोरेशन का जो जजमेंट आया है वो दीपक मिश्रा ने दिया है और सबको पता है कि वो कास्टिस्ट आदमी है, कभी भी रिजर्वेशन मैटर्स को लेकर वो हमेशा उसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कराया जाता है, ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करता है। तो इसी जो उसके बाद फिर हमें एक सीनियर एडवोकेट को फिर एंगेज करना पड़ेगा, और अभी जब ये संघ ने मेरे को फिर आगे की एंगेजमेंट सारे चीज़, क्योंकि सीनियर से बात करने के लिए भी पैसा पड़ता है सारा चीज़, और तमाम एक विषम परिस्थिति पे जूझते हुए मैं तो चाहता था कि मेरा जान झोंक दूँ इसमें, क्योंकि मंडल कमीशन का जजमेंट ही 1000 पेज का है, बाकी सब जजमेंट वगैरह था पढ़ के वो सारा चीज़ SLP जैसे कि चौधरी साहब ने कहा बहुत ही जल्दी उसको फिर हम सीनियर से सेटल करके जस्टिस सेटल करके उसको फाइल कर देंगे, जैसे भी आप लोगों का आदेश होगा मैं उसी हिसाब से फिर आगे करूँगा, क्योंकि मेरा जो हेल्थ है मेरे को इजाज़त नहीं देता है कि मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों के साथ कुछ बात करूँ या इसमें पार्टिसिपेशन में बढ़ा सकूँ। थैंक यू, जय हिंद।